जाओ हिंदू लड़कियों से शादी कर लो, आप जाओ मोलेस्टेशन कर लो, आप औरतों को गाली दे दो, आप औरतों को डिफेम करो, आप औरतों को फिल्दिली और अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज करो, तो ये सारी चीजें चोरी करो, बेईमानी करो, ये तो कुरान में भी सिन है और संविधान में इसको क्राइम के तरीके से दिखाया गया है। सिखता देखिए इनकी बदलेगी नहीं, इनको इनको रिमांड पर दोबारा रिमांड लेकर आना पड़ेगा, पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोबारा रिमांड का पोजीशन लाना पड़ेगा। और जो मर्द, मुसलमान मर्द हिंदू लड़की से शादी करेगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एक्ट आया, रोमियो एक्ट आया, ऐसे किसी एक्ट को पूरे देश में लागू होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तानी और तालिबानी दिमाग के जो मुसलमान मर्द है, रिमांड पर लेकर के नंगा करके डंडा से मारना पड़ेगा। या अपने हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करती है, या अपने संविधान से बहुत मोहब्बत करती है, या कानून से बहुत मोहब्बत करती है, या ऐसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है जो वाकई में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो ये तो चरित्रहीन है, इसका कोई जात धर्म नहीं है और इसको हम लोग को बॉयकॉट करना चाहिए। शराब भी पी लीजिए, तब तो फिर जना भी कर लीजिए, तब तो फिर जो भी कर लीजिए। मैं मतलब पता है 2 सेकंड के लिए मेरा माथा हिल गया था कि इसको तो नंगा करके ना चप्पल से मारना चाहिए कि भाई तुम हज के बारे में बात कर रहे हो, एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो सर्वप्रथम सुन्नह में आता है, हमारे फर्ज में आता है, 5 अरकान में पहला फर्ज आता है, तो उसके बारे में हुई महिला नहीं मुस्लिम महिला कही है जी, खास तौर से एग्जैक्टली, तब थोड़ा ज्यादा सही से मैं रिप्लाई दे पा जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारा जो समाज है, आप भी अंबर मुस्लिम समाज से आ रही है, तो जब भी हम बहुत वोकल होते हैं, हम जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, बहुत एडुकेटेड हो जाती हैं या वोकल हो जाती हैं या बहुत इंटेलिजेंट हो जाती हैं, या उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए एक अलग पाथ और गोल चुना होता है, अपने करियर पर बहुत भरोसा करती हैं, बहुत वर्कहोलिक होती हैं, तो उनको आड़े हाथों लेना ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत जमाने से चला आ रहा है। आज अगर हम थोड़ा सा पीछे जा करके इतिहास के पन्नों को उठा लें या हम अपनी नानी दादी को की तरफ देख लें, तो उन्होंने भी ये सारी चीजें सही होंगी जो अभी हम सह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर तब माउथ पब्लिसिटी हुआ करती थी, अब यहाँ पर सोशल मीडिया पब्लिसिटी हुआ करती है कि अरे ये लड़की जो है ना, ये भारत माता की जय बोलती है तो ये तो प्रोस्टिट्यूट ही है और कुछ नहीं हो सकती है। मतलब आज पश्चिम बंगाल बोलिए या पूरा हिंदुस्तान बोलिए, जो एक गुट है उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि जो भी मुसलमान औरत भारत माता की जय बोलती है या अपने हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करती है या अपने संविधान से बहुत मोहब्बत करती है या कानून से बहुत मोहब्बत करती है या ऐसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है जो वाकई में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो ये तो चरित्रहीन है, इसका कोई जात धर्म नहीं है और इसको हम लोग को बॉयकॉट करना चाहिए। तो मुझे बेसिकली, मैं अगर मेरी थिंकिंग और परसेप्शन बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने परसों भी कहा, नेशनल न्यूज पर बैठ करके कहा कि मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान इक्वल है। मैं जितना मान सम्मान मैं जितना संविधान को देती हूँ, सेम उतना ही मान सम्मान और मोहब्बत मैं कुरान से रखती हूँ, क्योंकि कुरान ने भी हमको उन सारी चीजों के लिए पाबंदियां लगाई हैं जो संविधान लगा रहा है। कुरान ने तो ऐसा नहीं कहा है कि आप जाओ बलात्कार कर लो, आप जाओ लव जिहाद कर लो, आप जाओ हिंदू लड़कियों से शादी कर लो, आप जाओ मोलेस्टेशन कर लो, आप औरतों को गाली दे दो, आप औरतों को डिफेम करो, आप औरतों को फिल्दिली और अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज करो, तो ये सारी चीजें चोरी करो, बेईमानी करो, ये तो कुरान में भी सिन है और संविधान में इसको क्राइम के तरीके से दिखाया गया है। हम बार बार सुनते हैं कि कुरान 3 तलाक के बारे में कहता है, भाई साहब सही से पढ़ लो, कुरान 3 तलाक की ममानियत करता है, कहता है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क और दौलत नहीं आती है, फरिश्तों की आमद नहीं होती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक हदीयत का प्रोपेगेंडा निकाल करके चीजों को मोल्ड करने की और ट्विस्ट करने की कोशिश की है, जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से कर रहे हैं। मदरसे खुले हुए हैं पर जो मौलवी और मुल्ला अंदर में पढ़ा रहा है उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्कूल आना और जाना कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पब क्लब डिस्को जा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं
उनके ऊपर कितनी सख्ती करनी चाहिए ये मुल्ला और दाढ़ी टोपी वालों को बड़ी लगी रहती है। तो ये चीजें हम और आप दोनों, अगर हम ये हजार लड़कियां भी अगर क्लियर बोल देंगे तो हमारा नाज़िया इलाही खान अलायंस प्रोस्टिट्यूट रख ही दिया जाएगा। सो इट्स डजंट मैटर फॉर मी एक्चुअली, और मुझे लगता है अंबर आपके लिए भी अब कोई मैटर नहीं करता होगा क्योंकि आप भी बहुत वोकल हैं। एब्सोल्युटली, एक वक्त के बाद स्टार्टिंग में तो काफी चीजें लगती थी लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता और हम थोड़े मैच्योर भी हो गए हैं। उस वक्त जब स्टार्टिंग थी तब थोड़े छोटे थे तो चीजें बहुत लगती थी। एनीवे, नाज़िया आपने लव जिहाद की बात की और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे काफी मीडिया में चर्चा होते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आप लव जिहाद के बारे में क्या सोचती हैं और जो मुस्लिम मर्द हैं वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में क्यों इंगेज होते हैं, क्यों वो ऐसा करते हैं कि पहचान छुपाकर किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी करनी है जबकि इस्लाम में तो दूसरे धर्म में शादी अलाउ ही नहीं है। हाँ देखिए, अभी जैसे हम लोग वर्बल बोलेंगे ना तो बहुत सारे लोग हम लोग, और अभी आप कमेंट बॉक्स में इसको देखिएगा तो सारे मुसलमान मर्द आपको दोनों को ही गालियां देंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे। और जितने भी सनातनी हमारे भाई हैं या हिंदू भाई हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं या ईसाई हैं वो बेचारे अप्रिशिएट करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये सूर्य बकरा जो है उसका वर्सेस 221 हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कुरान का कि अपने हम कलमा लड़कियों को हमारे सुन्नाह मानने वाले मर्दों को चुनना चाहिए, बीवियों पर क्या क्या फराइज हैं, बीवियों को कैसे खुश रखना है, बीवियों को कैसी इज्जत देनी है, ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने कुरान में पढ़ी है। यहाँ तक कि कुरान ये भी कहता है कि जहन्नम में उन मर्दों की आमद ज्यादा होगी जो अपनी बीवी को आंसू से रुलाता है, जो अपनी बीवी को तकलीफ और दर्द देता है। कुरान ने यह भी बताया है कि आप निकाह का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आने वाली बीवी को सिर्फ दो रोटी और दो कपड़ा दे सकते हैं, जो हम अक्सर सुनते हैं कि अरे ये तो दो कपड़ा दे रहा है रोटी दे रहा है, तो ये कुरान नहीं कह रहा है। कुरान ने कहा है कि आप उसको उस दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश कीजिए जिससे वो खुश हो सके। तो ये सुनना हमें आता है, बीवी को इज्जत देना और खुश करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप देखिए कि ये अपने जात धर्म की लड़कियों को, अपने हमकलमा लड़कियों को तलाक देने में सिर्फ 3 सेकंड लगाते हैं। तलाक 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 3 सेकंड। पॉलीगेमी, हलाला, ऐसी बहुत सारी वाहियात चीजों को इन लोगों ने अपने सहूलत के हिसाब से, अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से इन लोगों ने बहुत वाहवाही बटोर करके मुल्ला और मौलवियों का इन्होंने इसको अडेप्ट किया हुआ है और बड़ी खुशी से ये लोग शादी करते हैं। मुस्लिम मर्दों को आप देखिएगा कि अगर उम्र इनकी 40 साल की होगी तो ये लड़की 20 साल की ही ढूंढेंगे। हर हाल में कम भी ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया है। नहीं, जब से कानून गांव देहात में कहावत है बीसी और खीसी, मतलब निकल ली, एक्सपायर हो गई। हाँ, नहीं बिहार में तो है कि मर्द जब साठा तब पाठा, मतलब 60 का होता है तब वो और ज्यादा यंग हो जाता है। तो ये हमेशा कम एज की लड़कियां ढूंढते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुरान कहता है कि भाई जहेज नहीं लेना चाहिए, लानत है, मलामत है, नदामत है, पर ये सबसे ज्यादा कूद कूद के जहेज लेते हैं, बिना जहेज के तो ये लड़की नहीं लेकर आएंगे। तो ये जितनी चीजें हैं, ये जब अपने जात धर्म की बेटियों को, अपने जात धर्म के हमकलमा की बेटियों को इज्जत नहीं दे सकते हैं तो ये दूसरे धर्म की बच्चियों को क्या इज्जत देंगे। ये देखिए, इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि किसी भी तरीके से हमको हिंदू कम्युनिटी को हिट करना है, उनका ईगो हर्ट करना है, उनको किसी भी तरीके से हमको दर्द पहुंचाना है। देखिए, बचपन से हम सुनते आए हैं कि अगर कोई हिंदू मर जाए तो फिनारे जहन्नम पड़ना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, हमारा अगर कोई दोस्त है या हमारी कोई दोस्त है जो हिंदू कम्युनिटी से आती है या हमारे ऑफिस के स्टाफ्स हैं या फैमिली फ्रेंड है या एक्वेंटेंस है, अगर वो बचपन से हमारे साथ है, हमारे दुख दर्द में खड़ा है, तो क्या उसके मरने के बाद हम जहन्नम का दरवाजा खुलवा पाएंगे उसके लिए? हमारे मुंह से ये निकलेगा? तो शुरू से मदरसों में या ये मौलवी मुल्ला जुमा के खुतबे में ये सब सिखाता है कि हिंदू जो है वो जहन्नमी है, हिंदू जो है वो ऐसा है, हिंदू जो है वो वैसा है। मैं हमेशा इस चीज के लिए कहती हूँ कि आप अपनी गलतियों को जुमा के खुतबे में क्यों नहीं बताते हैं?
आप हमारी कमी मुस्लिम कम्युनिटी में जो जो गलतियां हो रही हैं, जिस चीज को कुरान ने सिन कहा है, वो सारे काम हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो आप उनको क्यों नहीं दुरुस्त करने की बात करते हैं? आप हमेशा एक दूसरी कम्युनिटी को हिट करने की क्यों क्यों कोशिश करते हैं? आप हमेशा ये क्यों प्रोपगंडा बनाते हैं कि जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मुसलमान बहुत डिप्राइव होकर रखा है? भाई, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? तब भारतीय जनता पार्टी की तो कोई सरकार नहीं आई थी। कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि मुसलमान जो है वो एडुकेशन में दलितों से भी पीछे है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा हमेशा जो मुसलमानों को डिप्राइव किया, इतने दंगे लगवाए, मुसलमानों को किसी भी हायर पोजीशन पर बैठने नहीं दिया गया, एडुकेशन से पीछे रखा गया, यहाँ तक कि वो अपने कंधे पर यह चीज लेना नहीं चाहते हैं, वो सब चीजें दूसरों के कंधे पर डाल देना चाहते हैं। इंदिरा गांधी का मर्डर कब हुआ? जब हिंदुस्तान में भारत की सरकार, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। भाई, आप अपने घर में, आपके आपकी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर आपके घर का है, आप उसको नहीं संभाल पा रहे, आप हिंदुस्तान क्या संभालेंगे? आप हिंदुस्तान की जनता क्या संभालेंगे? तो ये जो कांग्रेस ने सारा वाहवाही और तबाही मुसलमान कौम के लिए मचाकर रखा था, इसको वो कंधे पे डालना चाह रहे हैं मोदी जी के। हालांकि जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से ट्रिपल तलाक हुआ, सबसे ज्यादा मैं लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर पॉलीगेमी हलाल, अभी भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर वो मैटर चल रहा है, उसके बाद द केरला स्टोरी को लेकर के प्रोपेगेंडा बनाया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लव जिहाद को आप देखिए, एक स्ट्रैटेजी है, मैं हर को बार बार बताती हूँ कि लव जिहाद इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ मुस्लिम्स मेल, कि इनको कैसे भी करके हिंदुओं को हिट करना है। अदरवाइज आप देखिए, मुसलमान लड़कियां क्या अच्छी नहीं होती हैं क्या? मुसलमान लड़कियों में क्या क्वालिटी नहीं होती है क्या? ये मुसलमान लड़कियों को क्यों नहीं पसंद करते हैं? कोई एक रीजन बता दे हमें खड़े होकर के, भाई ये रीजन है कि इसलिए मुसलमान लड़कियां पसंद नहीं करते, हिंदू लड़कियों को पसंद करते हैं। अभी हालिया में दिल्ली स्टाफ 22 बार स्टाफ किया उसको चाकू से, उसके बाद भी वो मरी नहीं है, तो उसको उसको पत्थर से लेकर के उसका सर का भरता बना दिया है अब, और मुस्कुरा मुस्कुरा करके वो आराम से पुलिस की कस्टडी में है। आप सोचिए कि क्या ऐसे लोगों को सिर्फ हम जो इनकम टैक्स का पैसा भर रहे हैं, या जनता जो इनकम टैक्स का पैसा भर रही है, ये जेल के अंदर जा करके वहां भी ग्रुपिज्म करेगा? सारे बलात्कारी एक साथ बैठ जाएंगे मुसलमान वाले, और आपस में बहुत सारी स्ट्रैटेजी सेट करेंगे, और फिर रेमिशन ग्राउंड पे या किसी भी ग्राउंड पे इनको बेल होगा, और फिर आने के बाद किसी ना किसी लड़की का ये चिरहरण करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ, देखिए, क्योंकि हम लीगल फील्ड में काम करते हैं, हम हर रोज चैनल्स पर होते हैं, हम अवेयरनेस के एक पार्ट है, तो हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे लोगों को 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर फांसी होनी चाहिए। फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, भाई औरत की इज्जत इतनी मामूली हो गई है, औरत का जान इतना मामूली हो गया है, फिर कोई समाजवादी पार्टी वाला खड़ा हो जाएगा और कहेगा इतनी टाइट टाइट जीन्स पहनती है लड़कियां, इसलिए बलात्कार हो जाता है। भाई, हम रोज देखते हैं कि 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 2 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 6 महीने 9 महीने 8 महीने की बच्ची और 90 साल की महिला का भी होता है। Exactly, तो वो आपको कौन सा सडक्शन दे देती है और सेड्यूस कर देती है जो आप बलात्कार कर देते हैं? हमारे जीन से आपको बलात्कार होता है। और आज देखिए, इस सेंचुरी में भी हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ता है घर से निकलने से पहले कि हमारा क्लेवेज नहीं दिखना चाहिए, हम ब्रॉड नेक का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम ज्यादा टाइट फिटिंग कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम थोड़े दबे हुए ही दिखने चाहिए, जो हमारी खूबसूरती है वो ज्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी की आंखों में हम गड़ जाएंगे। तो ये क्यों है आखिर क्यों है ये वजह आज तक क्यों चली आ रही है? आज हम अगर वोकल नहीं होएंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, मुसलमान लड़कों के बारे में आपको जो आप इलीट क्लास में, हमारा क्या है ना सर्कल, हम बहुत इलीट क्लास में बैठते हैं, हम बहुत एडुकेटेड क्लास में बैठते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आती है। आज पश्चिम बंगाल में 2 भाई है, नासिर खान और खादिर खान, इन्होंने 5 फरवरी 2012 में एक फॉरेनर लड़की का पार्क स्ट्रीट में रेप किया। अच्छा, अब आप देखिए कि ये दोनों मुसलमान है, दोनों भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है, इन्होंने 5 फरवरी 2012 में पार्क स्ट्रीट, पश्चिम बंगाल में एक कोलकाता सिटी है, वो बहुत पॉश एरिया माना जाता है पार्क स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे डिस्क हैं, पब हैं, डिस्कोज हैं, और वहां से ये निकल रहे थे बेवड़े की तरह दारू फारू पी करके, और मूविंग कार में उन्होंने उस फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया। अब क्योंकि वो मुसलमान हैं और यहाँ की सरकार को, पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को मुस्लिम वोट्स पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है कि पूरा एक वोट जो है वो पूरा मेरे पास आता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये तो सजा हुआ घटना है।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काकुली दस्तीदार कहती है कि अरे वो औरत ज्यादा पैसा मांग रही होगी इसीलिए वो उसने बेचारे लड़के लोग पर रेप केस डाल दिया है। पूरा थाना उस बेचारी फॉरेनर लड़की पर हंस रहा था, इसका इज्जत होता है, मतलब फॉरेनर लड़कियों का इज्जत नहीं होता है, हिंदू लड़कियों का इज्जत नहीं होता है। अब आप सोचो ये मुसलमान मर्द उसी फॉरेनर के साथ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने के बावजूद भी जो मुस्लिम सोसाइटी है वो आखिर इतनी पैट्रियार्की क्यों है, क्यों आज भी मुस्लिम महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पर्सनल लॉ प्रैक्टिस किया जाता है तो उनको क्यों पीछा रखा जाता है, ये मानसिकता को कैसे देखते हैं आप? इसीलिए पीछे पर रखा जाता है कि ताकि कोई और अंबर पैदा ना हो जाए, ताकि कोई और नाजिया इलाही खान पैदा ना हो जाए, ताकि कोई और याना मीर ना पैदा हो जाए, ताकि कोई और सबूही खान ना पैदा हो जाए, ताकि कोई और शाजिया इल्मी ना पैदा हो जाए, इसीलिए पीछे रखा जाता है। ये डरते हैं हमारे एडुकेशन से, ये डरते हैं हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने से, ये डरते हैं हमारी शिक्षा से कि अगर ये संविधान पढ़ लेगी, अगर ये कानून जान लेगी, ये सारी चीजों को समझ लेगी तो ये, और अगर ये कुरान को भी समझ लेगी तो ये तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर देगी। देखिए आप जब भी किसी भी डिबेट पर किसी दाढ़ी टोपी वाले के साथ बैठिएगा वो हमेशा आप बोलिए बोलिए जी सुनाइए आ रही है मुझे। किसी भी दाढ़ी टोपी वाले के साथ आप डिबेट पर बैठिएगा तो वो हमेशा यही कहेगा कि अरे औरत का काम है बच्चे पैदा करना, औरत जो है वो एक मोती जैसी है जिसको जन जर और जमीन को हमें बहुत ढक करके हिफाजत से रखना चाहिए, एकदम से हिफाजत से रखना चाहिए। भाई आपकी जुबान में क्या चला जाता है या आपके मुंह में क्या चला जाता है जब जब मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, जब मुसलमान लड़का बलात्कार करता है, जब मुसलमान लड़का मोलेस्टेशन करता है, जब मुसलमान लड़का दूसरी लड़कियों को ठगता है, जब मुसलमान लड़का दूसरे की बहू बेटियों को गंदी नजरों से देखता है, जब सेक्सुअली यूज करता है, जब ओयो रूम बुक करके जाकर के सेक्स करता है लड़कियों के साथ, तब आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? तब आपको कोई फतवा नजर नहीं आता है क्या? कोई हदीस और कुरान का कोई सूरह याद नहीं आता है क्या? सब भूल जाते हैं क्या? गजनी हो जाते हैं क्या? तो ये लड़कियां ना बोले, ये लड़कियां वोकल ना हो जाए, इसलिए ये हम लोगों की शिक्षा पर पहले कंट्रोल करते हैं। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में आप एक चीज देखिएगा, लड़कियां जैसे ही 10 क्लास पास करती हैं वो घर में एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, अब तो शादी हो जानी चाहिए। और ये अफरा तफरी का माहौल उड़ाने वाला कौन होता है? ये हमारे पास पड़ोस वाले, वो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को बोलते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक बहुत छुपा हुआ एक खुफिया राज है कि बस कैसे भी करके हमें लड़कियों की जुबान को बंद करना है, उनके बढ़ते हुए कदम को बंद करना है, ताकि वो घर पे मौजूदा मर्दों की दुर्नीतियों को वो सामने ना ला पाए। जी देखिए आए देखिए आप हमारे हम बचपन से क्या देखते आ रहे हैं। आप पड़ोस का कोई लड़का अगर हमको छेड़ा है, मैं उसको उसकी मम्मी को शिकायत करने गई, हाँ ठीक है वो लड़का है वो खेल सकता है रात में, तुम लड़की हो तुम घर जाओ। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर जो कुरान हमको इक्वालिटी का दर्जा दे रहा है, जो कुरान हमको बार बार सूरह अन-निसा में बताता है कि मर्द और औरत एक है, जेंडर इक्वालिटी की बात कह रहा है कुरान, और ये लोग हर वक्त हम लोगों को समझाते हैं कि नहीं 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 नहीं। अच्छा आप सोचिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी स्कीम में हाथ डाला सऊदी अरबिया के साथ कि 2018 में 8 मुस्लिम खवातीन जो हैं वो हज पर अकेले गई थी, और इस साल मोर देन 4,500 मुस्लिम खवातीन जो हैं वो जा रही हैं हज पर अकेले, इक्वल फुटिंग का दर्जा दिया गया है। 2 दिन पहले मैं एक नेशनल न्यूज पर थी, वहां पर मौलवी कह रहे हैं तब तो फिर शराब भी पी लीजिए, तब तो फिर जना भी कर लीजिए, तब तो फिर जो भी कर लीजिए। मैं मतलब पता है 2 सेकंड के लिए मेरा माथा हिल गया था कि इसको तो नंगा करके ना चप्पल से मारना चाहिए कि भाई तुम हज के बारे में बात कर रहे हो, एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो सर्वप्रथम सुन्नाह में आता है, हमारे फर्ज में आता है, 5 अरकान में पहला फर्ज आता है, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो भैया? मतलब औरत हज पर अगर अकेले जा रही है तो वो जना भी कर सकती है, वो शराब भी पी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, और मर्द बलात्कार करके नासिर खान खादिर खान आ रहा है तब कोई फतवा जारी नहीं हो रहा है। नाजिया आपको क्या लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद भी ये मानसिकता बदलेगी जिसकी आप बात कर रही हैं? मानसिकता देखिए इनकी बदलेगी नहीं,
इनको इनको रिमांड पर दोबारा रिमांड लेकर आना पड़ेगा, पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोबारा रिमांड का पोजीशन लाना पड़ेगा। और जो मर्द, मुसलमान मर्द हिंदू लड़की से शादी करेगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एक्ट आया, रोमियो एक्ट आया, ऐसे किसी एक्ट को पूरे देश में लागू होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तानी और तालिबानी दिमाग के जो मुसलमान मर्द है, रिमांड पर लेकर के नंगा करके डंडा से मारना पड़ेगा। जो भी खुतबा में हिंदुओं के अगेंस्ट खुतबा दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। आखिरकार अप्रैल में सो मोटो FIR के लिए तो कहा गया ना कि कोई भी irrespective of religion अगर hatred speech देता है तो उसके ऊपर FIR लोकल पुलिस स्टेशन कर सकता है। तो भाई इसको और भी अमेंड करके इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की और अवेयरनेस करने की जरूरत है। देखिए, अगर ऐसे ऐसे स्टेट में, जैसे पश्चिम बंगाल का स्टेट है, जैसे आपका हैदराबाद का स्टेट है, जैसे आपका बिहार का स्टेट है, जहां पर ज्यादा ये सारी चीजें अब तक हो रही हैं, अगर 10-10 मर्दों को भी उठा करके रिमांड पर अगर अच्छे से कुटाई कर दी जाए ना, तो सबके सब डर जाएंगे, ये चीजें कम होती चली जाएंगी। हम सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ करके, अंबर, अगर जैसे पार्लियामेंट में बैठ करके ट्रिपल तलाक भी अमेंड हो गया, पार्लियामेंट में बैठ करके जुवेनाइल रेप केस को भी अमेंड किया गया, और उसमें एक भी पिटीशन, ह्यूमैनिटेरियन पिटीशन और एक भी ह्यूमन राइट्स का पिटीशन या एक भी बेल पिटीशन मना किया गया कि नहीं दिया जाएगा, पर आज भी 72 दिन में बेल हो रहा है। Absolutely. हो रहा है। गैंग रेप में कहा जाता है कि एक भी बेल पिटीशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पर आज भी बेल हो रहा है, लोग निकल रहे हैं बाहर। नासिर खान निकला बाहर और निकलने के बाद 5-5 star होटल में अपना रिसेप्शन किया, शादी किया, आज बड़ा इज्जतदार बन के घूम रहा है। तो ऐसी चीजों को सही तरीके से बंद करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा लोकल पुलिस स्टेशन को जी। कि भाई ये है अमेंडमेंट का पेपर जो लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है, और इसको अमेंड किया गया है। देखिए, हर रोज अगर 10-10 टोपी वाला को अगर पिटाई पड़े ना, अच्छे से एकदम कुत्तों की तरह मारा जाए ना, देखिए इनका भूत भाग जाएगा, इनके सर पे जो जिन चिन्ह बैठा है। एज लॉयर और एक्टिविस्ट, आप देखती हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए विद इन द कम्युनिटी, हम कोई बदलाव की आवाज मुस्लिम महिलाओं की तरफ से होते हुए देखेंगे, आप इसको कैसे होता हुआ देखती हैं, ऐसे कोई उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। लड़कियां पहले जो घर पे बहुत बहुत सिसकती थी, और हमारी महिलाएं जो पहले घर पर चुप रहती थी, बंद रहती थी, मर्द बीवी भी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहा है, उसके बावजूद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी बाहर की गर्लफ्रेंड पे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ऐसी चीजों पे पहले हमारे घर की औरतें बोलती नहीं थी कि इज्जत खत्म हो जाएगी। पर अब मैं देख रही हूँ कि बहुत भारी परसेंटेज में महिलाएं बाहर आ रही हैं, कह रही हैं, आवाज ऊंची कर रही हैं, हर बात को वो कोर्ट तक लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं, पुलिस स्टेशन तक लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं, या आसपास में जितने भी ऐसी महिलाएं जो एनजीओ के मार्फत काम